दोस्तों सर्दियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे ही सर्दियों में गर्मा गर्म तरी वाला मीट खाने को मिल जाए जिसमें ढेर सारा धनिया डला हुआ हो, नींबू का रस डला हुआ हो, ओए होए होए उसकी तो बात ही कुछ और है। और आज ऐसे ही देसी स्टाइल में बने हुए तरी वाली मीट की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फिर दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या मसाले चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ली है 10 से 12 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची और आधा टीस्पून ली है मैंने यहाँ पर काली मिर्च और एक लिया है मैंने छोटा दालचीनी का टुकड़ा और एक टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पर जीरा। और अब जो ये मसाला है ये जाएगा हमारे गरम तेल। जैसे ही हमारा मसाला चटकने लगेगा उसमें हम ऐड कर देंगे हमारा स्लाइस किया हुआ प्याज। और दोस्तों प्याज को हमें भून लेना है हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मटन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है करी कट पीसेस के अंदर और जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ था और अब हम इसे ऐड कर देंगे हमारे भुने हुए प्याज के अंदर। और दोस्तों मटन को डाल देने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए या फिर जब तक हमारा मटन अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए। अभी इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि नमक ऐड करने से मटन अपना पानी छोड़ देगा और अच्छी तरह से भुन नहीं पाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर मटन को बनाने के लिए हांडी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हांडी में मटन बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से गल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप इसे प्रेशर कुकर में बना सकते हैं या फिर पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों कढ़ाई में ना बनाएं क्योंकि कढ़ाई में इसे गलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों तकरीबन 15 मिनट भूनने के बाद मटन हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही साथ इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों लाल मिर्च और हल्दी डाल देने से हमारे मटन की रंगत देखिए कितनी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा प्याज का पेस्ट। और प्याज का पेस्ट डाल देने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें प्याज को भी मटन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है जिसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे। और दोस्तों हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है क्योंकि प्याज की पेस्ट जो हमने इसमें ऐड करी है वो हमारी हांडी के तली पर लगकर हमारी मटन करी को ख़राब कर सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज भी मटन के साथ अच्छी तरह से भून चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्योरे। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 400 ग्राम टमाटर, उसकी मैंने बना ली है एक प्योरे। और अब हम इस टमाटर के प्योरी को ऐड कर देंगे हमारे मटन के अंदर और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरे का पाउडर और साथ ही साथ इसमें जाएगा ढेर सारा धनिया। दोस्तों ये जो हम धनिया ऐड कर रहे हैं इस स्टेज पर ये हमारी मटन करी को देगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर। और अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूँकि दोस्तों हम इसे ढककर पकाने वाले हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा पानी ताकि मसाला हमारा जले ना। और पानी डालकर मैं इसे हल्का सा मिक्स दे दूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मटन जो है अभी से ही कितना ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है। और दोस्तों ग्रेवी में एक बार तेज़ आंच में उबाल आने देंगे, उसके बाद लगा देंगे इसके ऊपर ढक्कन और आंच को कर देंगे बिल्कुल धीमा और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देंगे। और दोस्तों पानी को ऐड करने के बाद मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1.5 चम्मच गर्म मसाला। और गरम मसाला डाल देने के बाद हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों अब तेज़ आंच में इसमें एक उबाल आने देंगे या जब तक कि हमारा मटन अच्छी तरह से गल ना जाए और आंच को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे। और अब इसे बिल्कुल तसल्ली से पकने देंगे
और तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारी मटन करी को चेक करें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मटन में जो ऑयल है एकदम ऊपर आ चुका है, यानी कि ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ काफ़ी सारा धनिया, और धनिया के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगा कुछ अदरक के लच्छे, और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगा एक नींबू का रस हमारे मटन करी को एक बढ़िया सी टैंगीनेस देने के लिए। और दोस्तों नींबू का रस ऐड कर देने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा एकदम देसी स्टाइल तरी वाला मीट। आइए कर लेते हैं इसकी झटपट प्लेटिंग। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल बटन को, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी रेसिपीज़ बनाकर हमें वहाँ पर टैग कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।